अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मेंडल ने कौन सा टेक्निक यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो सबसे पहला आप देख रहे होंगे इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन किसको कहते हैं? रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाईसेक्सुअल फ्लावर इन बर्ड स्टेज। एक बर्ड स्टेज में बाईसेक्सुअल फ्लावर से जब हम उसके एंथर को रिमूव कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इमैस्कुलेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रोसेस से आप सेल्फ पॉलिनेशन रोक सकते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर में। उसके बाद क्या किया गया था, बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है, नायलॉन बैग यूज़ किया जाता है जो उस फ्लावर को, जिस फ्लावर को आपने इमैस्कुलेट किया उसको कवर करने के लिए। क्यों कवर किया जाता है, तो टू प्रिवेंट फैक्टर्स फॉर पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन फैक्टर को रोकने के लिए किया जाता है। आप देख रहे होंगे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे वो एक फ्लो चार्ट की वजह के थ्रू मैंने इसको समझाने का कोशिश किया कि मेंडल ने सबसे पहले क्या किया कि आफ्टर इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग ही टेक मैच्योर पॉलन ग्रेन्स एंड मैच्योर पॉलन ग्रेन्स को उसने क्या किया, स्टिग्मा के ऊपर जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर था उसके स्टिग्मा के ऊपर उसको डस्टिंग करवा दिया। उसके बाद उसको फिर से बैगिंग कर दिया। पहले इमैस्कुलेशन किया, बैगिंग किया, कलेक्ट करके उसके ऊपर डस्टिंग करवाया और उसके बाद फिर से उसको बैग को हटा करके फिर वापस बैगिंग कर दिया। फिर उसने क्या किया, देखा कि आफ्टर बैगिंग एंड आफ्टर सम अबाउट वन वीक, लगभग एक सप्ताह के बाद उसने क्या पाया कि उसमें पॉड का डेवलपमेंट हुआ है। पॉड का जो डेवलपमेंट था, वो पॉड जब मैच्योर हुआ तो पॉड के मैच्योर होने के बाद उसने उसका सीड कलेक्ट किया। और देखो ये जो सीड का जो कलेक्शन हुआ है ना, एक्चुअली दैट सीड इज F1 जनरेशन। ये सीड क्या था, ये F1 जनरेशन का सीड था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर उसको उस सीड को फिर से ग्रो करवाया और ग्रो करवा करके उसके बाद का जो प्लांट मिला, ग्रो करने के बाद जो प्लांट मिला उसको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद फिर उनको सीड मिला। तो ये सीड जो था वो क्या था, ये F2 जनरेशन का सीड था। तो इस तरह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को शो आउट किया था। अब अगर मैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देखूं, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझ सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया था कि एक्चुअली में दो अलग अलग टाइप के ट्रेट्स लिए थे सिंगल कैरेक्टर के। सिंगल कैरेक्टर के जो दो ट्रेट्स लिए गए थे वो क्या थे, टॉल, और दूसरा ट्रेट जो था वो क्या था, ड्वार्फ। तो ये ट्रेट क्या था, टॉल, ये ट्रेट क्या था, ड्वार्फ। तो टॉल में उन्होंने देखा, इसको हम लोग P1 कह सकते हैं, पेरेंट वन है ये पेरेंट टू है, ये पेरेंट टू है। एक को अगर हम लोग मेल मान लेते हैं और एक को हम लोग फीमेल मान लेते हैं, तो उसके बाद इसका क्या बनेगा, उसके बाद इसका गैमेट बनेगा। और गैमेट जो होगा वो क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर आएगा, सिंगल एलील, एलील का सिंगल पार्ट आएगा वो टी, और इसमें स्मॉल टी। इसको हम लोग हैप्लॉइड के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि ये क्या था, डिप्लॉइड था। अब ये दोनों के बीच में क्रॉसिंग होगा, तो जब क्रॉसिंग होगा तो ये क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, जबकि ये हेटरोजाइगस आ गया। और ये मेरा क्या है, ये मेरा F1 जनरेशन है। और इसी F1 जनरेशन का जो कैरेक्टर था वो कैसा था, टॉल था। लेकिन ये कैसा टॉल है, ये हेटरोजाइगस टॉल है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हाइब्रिड टॉल है। उसके बाद उन्होंने क्या करवाया कि इस टॉल प्लांट को आपस में सेल्फ क्रॉस करवा दिया था, इसको सेल्फ क्रॉसिंग में ले गए। वो जब इसको सेल्फ क्रॉसिंग में ले गए तो इसके बाद उनको क्या मिला, उनको मिला F2 जनरेशन। तो इस तरह से मेंडल ने इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद उसका डाटा एनालिसिस किया था।